एसिडिटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और 2 साल पहले वो शुरू हुई थी। कल मेरी सर्जरी हुई है शाम 4 बजे और मैं 8-9 बजे तो सर्जरी होने के बाद घूमने फिरने लगा और खाना भी खाया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वो 2-3 दिन में अच्छे से खाया पिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और कुछ टेंशन नहीं है अभी। मुझे पहले जैसे एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, ना कोई टैबलेट ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ और अभी एकदम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम घनश्याम पेराराम है, मैं राजस्थान जालौर से आया हूँ और मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और 2 साल पहले वो शुरू हुई थी। तो गले में जलन और गले में कुछ अटका हुआ और साथ ही में हार्टबर्न और बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उधर लोकल डॉक्टर को मैंने बहुत दिखाया, कम से कम बहुत पैसे खर्च किया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एंडोस्कोपी करवाया तो उसमें GERD नामक बीमारी कट, जो कि गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स करके बोलते हैं, वो बीमारी उधर एंडोस्कोपी में आई थी। फिर मुझे बहुत तो भी एंडासिड दवाइयाँ दी थी लेकिन उससे भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो बाद में मैं यूट्यूब पे सर्च किया तो डॉक्टर सीरज ठक्कर जी का मुझे पता मिला, उनको मैंने फ़ोन किया और उनका अपॉइंटमेंट लिया। कल मैं सुबह इधर आया था तो सबसे पहले मेरा मैनोमेट्री टेस्ट हुआ। मैं उससे पहले बहुत डर रहा था कि नली डालेंगे नाक से होके और उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना डर रहा था कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर सर ने मुझे वो नली को जल लगा के नाक में डाला, मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा और मैनोमेट्री टेस्ट हो गया। उसके बाद PH स्टडी के लिए उससे भी बारीक ट्यूब डालते हैं अंदर, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर सर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी कि कल सुबह 10 बजे आना है। मैं कल सुबह 10 बजे के लिए बाहर वो अपने रूम पे गया और खूब खाना खाया, खूब पिया और खूब बाहर फिरा लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। खाली बस इतना सा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ, वो भी उतना ज़्यादा सीवियर नहीं लगता लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी मैं नली निकालने के लिए आया हूँ, उसके बाद रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट टेस्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि सर क्या एडवाइस देंगे, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम बेराराम गांची है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरी PH स्टडी और मैनोमेट्री टेस्ट हुआ है। उसके बाद उसका रिजल्ट आने के बाद सर ने देखा तो मेरा एसिड रिफ्लेक्स 120 से ऊपर ज़्यादा हो रहा था, तो सर ने बोला कि भाई सर्जरी करवा दो, सर्जरी से परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी पर गोली तो खाते ही रहना है। तो मैं बहुत हैवी डोज की गोली लेता था, दिन में 2 बार खाली पेट सुबह शाम, तो वो बंद करना चाहता था। तो फिर सर ने सजेस्ट किया कि भाई सर्जरी कर दो, तो फिर मैंने सर्जरी के लिए आ पड़ा और कल सुबह सर्जरी के वार्ड में मैं एडमिट हुआ और कल सुबह 10 बजे एडमिट हुआ और मुझे शाम को 3-4 बजे सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और फिर सर्जरी किया। 7-8 बजे मैं बाहर आया और फिर मेरा 9-10 बजे मैंने खाना भी खाया, जो पहले लाइट लिक्विड फूड देते हैं जैसा कि खिचड़ी वगैरह देते हैं, तो खिचड़ी भी खाई, आराम से खाया। और मैं कल शाम में घूमने फिरने लगा था, 4 बजे तो मेरा सर्जरी हुआ लेकिन 9-10 बजे तो मैं छल फेरता था, ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुई उसमें। खाली जब खाना खाते तो इधर अटकने जैसा महसूस होता है और वो भी परमानेंटली नहीं होता, 2-3 दिन के लिए होता है। रात को मेरा अटक रहा था लेकिन अभी सुबह मैंने फिर नाश्ता किया तो नॉर्मली है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अब रात में सोया, अच्छे से सोया, नींद भी आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सुबह मैंने नाश्ता किया तो नाश्ते में रात में जितना अटक रहा था उतना सुबह नहीं अटक रहा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। और अभी मुझे घंटा 2 घंटे में 2 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं अपना घर चला जाऊँगा। तो फिर 2 दिन के बाद फॉलोअप करने के लिए डॉक्टर सीराज ठक्कर जी के वहाँ जाना पड़ेगा, तो चले जाएंगे। अभी मैं आराम से सर फिर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो सर क्या बताएंगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मेरा नाम बेराराम है, मुझे 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और एसिडिटी ज़्यादा होती थी, तो एसिडिटी का सर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। 3 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के 2 दिन ही मुझे दोपहर को छुट्टी दे दी थी। मैं अच्छे से घूमा फिरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और मैंने अभी 3 दिन के बाद फॉलोअप करने के लिए बुलाया था सर ने, तो मैं वो 2-3 दिन में अच्छे से खाया पिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और कुछ टेंशन नहीं है, अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से पी रहा हूँ।
और अच्छे से अब दिखाने के लिए आया हूँ और चल रहा हूँ फिर लाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम पैराराम है, मैं राजस्थान जालौर का रहने वाला हूँ। मेरा 5 महीने 6 महीने पहले सर्जरी हुआ था, 5.5 महीने पहले सर्जरी हुआ था। उस सर्जरी से पहले मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पेट में जलन होती थी और खांसी होती थी और गले में इसके जैसे कुछ अटकने जैसा ऐसा महसूस होता था और कुछ खा भी नहीं पी और पी भी नहीं सकता था, बहुत मुश्किल होती थी और बहुत भारी भारी एंटासिड मेडिसिन लेता था लेकिन भी रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैं 5.5 महीने पहले इधर आया था, डॉक्टर सिराकर जी साहब से मेरा कंसल्टेशन हुआ था, उन्होंने मुझे सर्जरी एडवाइस की थी और फिर सर्जरी मैंने करवाई थी। सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ऐसा कुछ लगे नहीं कि मुझे कुछ सर्जरी हुई है। और अभी सर्जरी किए हुए 5.5 महीने हो गए लेकिन अभी मुझे पहले जैसा एकदम नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं कोई मेडिसिन ले रहा हूँ ना कोई टैबलेट ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ और अभी एकदम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर्जरी के बाद 2-3 महीने तक वजन उठाने में थोड़ा देख रेख करना पड़ता है, वजन ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता है और 3-4 महीने के बाद आप नॉर्मल वेट भी उठा सकते हो और कुछ भी खा भी सकते हो। अभी मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ, मेरा रूटीन काम भी मैं वैसे ही जैसा पहले कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले तो मुझे सर्जरी से पहले तो मुझे गले में जलन होती थी, कुछ खाना बोले तो भी बहुत मुश्किल हो रहा था, कुछ पीना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता था, नकारें ज़्यादा आती थी और गले में ऐसा लगता था जैसे इधर कुछ अटका हुआ ऐसा लगता था। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिराक्षर जैसे कि भगवान के जैसा मुझे मिला है और एकदम अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छा किया।